Please welcome Kapil singing guru and Shimona as his student. मैं ये नहीं कहता कि कॉमेडी मत करना, पर किसी डेली सोप वाली को साथ मत रखना। ओए लोलो बेबी, लोलो बेबी आई यहाँ, लोलो बेबी, लोलो बेबी आई यहाँ, सर्कस देखने, सर्कस देखने। ओ बेबी खुल के हंसना, शर्म ना करना, अर्जु चाहे चीखे तुम बिल्कुल ना डरना। लोलो बेबी, लोलो बेबी आई यहाँ, सर्कस देखने, सर्कस देखने। मैंने सुना है लोलो बेबी आई है। हाँ जी आई है। कहाँ है ये? यहाँ, यहाँ नहीं। किधर? इधर है। ये यहाँ इस तरफ। अच्छा इस तरफ है। मेरे को पहले ही शक हो रहा था, इधर हो भी नहीं सकती, इतना गंदा परफ्यूम। ओह माय गॉड, मेरे को पहले ही पता था इतना गंदा परफ्यूम करिश्मा का हो ही नहीं सकता। यहाँ लगा के बैठी बार कुत्तों को उल्टियां हो रही है। ओह गॉड, एक तो दिखता भी नहीं है, काला चश्मा उतार लूं। ओह गॉड, इससे दिख रहा है अभी। हेलो करिश्मा, पहचाना? नहीं ना, आने तो मेरी शेर खान फिर देखूंगा मैं। फिर भाई शेर खान इटे, मेरे को कोई परवाह नहीं, कोई पहचाने ना पहचाने। वैसे आपको पता है मैं आपका बड़ा फैन हूँ, आपकी पहली फिल्म से प्रेम कैदी से, मतलब आप दोनों ने बड़ा अच्छा काम किया, आपने और आपके साथ वो को एक्ट्रेस थी ना हरीश, दोनों ने माइंड ब्लोइंग काम किया उसमें। इतना जस्ट यू नो, आपकी सारी फैमिली का मैं फैन हूँ, पूरी फैमिली का, मतलब कितने अच्छे नाम है आपके, लोलो, छोटी का बेबो, हाउ स्वीट। ये आप ही को सूट करते पता है, फेयर कम्प्लेक्शन, गोरा रंग, जूसी चीक्स। अब इसका नाम लोलो रख दो तो लोगों को लगे चिढ़ा रहा है, लोलो हट। खैर मैं इधर, मेरा नाम आपने बड़े गुलाम अली खान साहब का तो नाम सुना होगा, छोटे गुलाम अली साहब का नहीं सुना? और बहुत छोटे गुलाम अली साहब का? मैं बहुत छोटा गुलाम अली, अभी नहीं सुना, कोई बात नहीं, आने तो मेरी शेर खान फिर बात करूंगा मैं। शेर खान इटे भाई। खैर मैं यहाँ पे गरीब बच्चों को म्यूजिक सिखा रहा हूँ 4 दिन से। बस स्टूडेंट आते रहते हैं, सिखाते रहते हैं हम लोग। एक्सक्यूज मी। यस, किधर आइए। सबसे छोटे गुलाम अली जी का संगीत विद्यालय यही है। ये क्या तमिल में लिखा है? मेरे पिताजी ने अपने हाथों से बनाया ये। अपने हाथों से खुद? या ओ माय गॉड, संगीत के प्रति इतना लगाव? नहीं नहीं, संगीत करी थी, मुझे लगाव नहीं, मजदूर थे वो। क्या? या मजदूर थे, मजदूर। तो ये विद्यालय आपका कैसे हुआ? मेरा, मैंने कब कहा मेरा? मेरा मैंने कब कहा मेरा? मैं तो ड्रम इंस्ट्रक्टर हूँ यहाँ पे, ड्रम इंस्ट्रक्टर। उसमें क्या, अब ये बप्पी अदनान साहब बड़े बड़े ड्रम लेके घूमते हैं, हम लोग ड्रम में पानी भी नहीं भर सकते, ये क्या मतलब हुआ? तुम बताओ कौन, क्या नाम है तुम्हारा? मैं शिमोना हूँ और मुझे संगीत सीखना है। संगीत सीखना है? देखो अगर कुछ सीखना चाहती हो तो कॉमेडी से शुरुआत करो। जी कुछ नहीं, आप कॉमेडी वैसे अच्छा कर लेते। जज मत बनो, परफॉर्मेंस पे ध्यान दो। तो मैं एक बार लाऊं, थोड़ा बहुत गा लेती कि नहीं वैसे? जी थोड़ा बहुत गा लेती हूँ। सुना, हाँ सुनाइए सुनाइए। परदेसी परदेसी, जाना नहीं जाना नहीं, मुझे छोड़ के। एक मिनट, ये जो साथ में जलेबियां निकाल रही हो इससे क्या परदेसी रुक जाएगा? परदेसी रुकेगा बिल्कुल नहीं, परदेसी जाएगा जाएगा, उल्टा 4 थप्पड़ मार के जाएगा तुम्हारे। क्या ये गाना गा रही थी? ऐसे नहीं गाना गाया जाता। देखो संगीत के कुछ रूल होते हैं, पहला रूल सुर पक्के लगने चाहिए, सारे गामा पादा नी सा। अरे लेकिन आपके खुद के सुर नहीं लग रहे ठीक से। दूसरा रूल सुनो, उस्ताद से कभी बहस नहीं करी, थप्पड़ मारेगा नहीं। जब भी उस्ताद का नाम लेना है ऐसे कानों को हाथ लगाने। ऐसा क्यों? कुछ नहीं, ऐसे आपको ध्यान रहता कान के बुंदे कहीं गिर तो नहीं गए, कुछ खास नहीं है। एक काम करो इधर ले गया, हारमोनियम लेके आओ जरा। What is this? मैंने हारमोनियम कहा था। हारमोनियम ही तो है। ये हारमोनियम है? हाँ। तो वो उसको क्या कहते हैं? अरे वो
बांसुरी होती है। अच्छा बांसुरी आती है, चलो हमें क्या लेना जरा, हम ठहरे म्यूजिक डायरेक्टर, हमको ढोलक बजाने वाले थोड़ी है। अर्चना तुम भी सीख लो, इसको हारमोनियम कहते हैं। थैंक यू। रोज पूछती रहती है तुझे खानी है कि मैं खा लूं पेस्ट्री। हट, खाने पीने के अलावा कुछ सोचता नहीं है। अच्छा आप बताइए, आप किस तरह का गाना सीखना चाहती हैं? सैड सॉन्ग। सैड सॉन्ग, सैड सॉन्ग बड़ा इजी है। आइए बैठिए, आइए, आप बैठ नहीं सकती मेरे ख्याल से, इधर आइए, आगे ढोलक रख लेते हैं, आप बैठ जाइए आराम से। देखो बैठ जाओ, आ जाओ। देखिए सैड सॉन्ग के लिए सबसे पहले शक्ल सैड बनानी होती है ऐसे। आपको नहीं बनानी, आपकी तो कुदरती भगवान की कृपा है, आपने सिर्फ स्माइल देनी है। सेकेंडली आवाज में दर्द होना चाहिए। लेकिन मेरी आवाज में बिल्कुल दर्द नहीं है। नो प्रॉब्लम, जब भी गाना शुरू करो अपनी उंगली दरवाजे में दे दो, दर्द आ जाएगा। और दरवाजा ना हुआ तो? तो कहीं पे भी दे देना, यहाँ पे उंगली मत कर, आराम से सुन। अभी किस तरह का गाना सीखना है? कुछ भी ठीक है, मैं तुम्हें सबसे आजकल का हिट गाना जो है वो सुनाता हूँ, ठीक है, जो आजकल सबसे ज्यादा चल रहा है। ओके यही गाने का मूड होता है, इसी गाने को आप सैड बना सकते हैं, जैसे तू है मेरी फैंटेसी, छूना ना अब लौंडिया जवान हो गया। So, that's kind of. आप कितना अच्छा गाते हैं। वैसे ये गाना किसने गाया है? ये गाना मेरे को ऐसे उलाला ना, नाम नहीं याद, ऐसे गोल से है, काफी फैंसी सा बीन बैग है, काफी महंगे ऐसे टाइप। थोड़ा फ्रेंक हो जी, थोड़ा बगल में आ जाइए, बगल में तो आइए, थोड़ा थोड़ा टची टची रहेंगे तो क्या होता है कि आप जल्दी सीखेंगी। क्या? थोड़ा टची हो जाएंगे तो जल्दी सीखेंगी। ओके ये लड़की को तेरे लिए मैं चार लाइनें सुना रहा हूं, इनके लिए जरा जोरदार तालियां मेरी पार्टनर के लिए। इसका एक बड़ा फायदा है, कहीं पे भूल के कहीं पे तीसरे चौथे पेज से शुरू कर दो, बीच में आ जाती वापस। जस्ट लव यू फॉर दैट। इसके लिए चार लाइनें की हैं। हो किसने इसको मेरा, थोड़ा उधर हो जाओ, बाद में तुम कल्पोगी, उधर हो जाओ। हो किसने इसको मेरा पार्टनर बनाया, किसने इसको मेरा पार्टनर बनाया, वो किसने इसको मेरा पार्टनर बनाया, दिल करे मुंह तोड़ दूं, किसने इसको मेरा पार्टनर बनाया, वो सारा चैनल का किया है धराया, जी करे मुंह तोड़ दूं, वो किसने इसको मेरा पार्टनर बनाया। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। लाइने भूले पंच खा जाए, फिर भी इसको शर्म न आए, अच्छा भला दस, वो अच्छा भला दस आठ बनाया, जी करे मुंह तोड़ दूं, ओ मैंने डायरेक्टर को लख समझाया, जी करे मुंह तोड़ दूं, वो किसने इसको मेरा पार्टनर बनाया। शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत बहुत प्यार दिया आपने, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। अरे बेबी लोलो, आपको ये एक्ट कैसा लगा? कपिल जी, ऑनेस्टली माय आईज वर ओनली फॉर यू, सॉरी सिमोना। आप इतने ईज के साथ परफॉर्म करते हैं, हैट्स ऑफ टू यू, रियली फैबुलस। अर्चना, जब आपने अपने एक्ट की पहली 8-10 लाइनें बोली तो मुझे लगा कि मैं ये उठा दूं। अरे फिर आपने अगले 8-10 लाइनें बोली, फिर मैंने सोचा कि फिर ये उठा दूं, और अब आपका एक्ट एंड हुआ है और अब भी जी यही करता है कि ये उठा दूं। थैंक यू सो मच। वाह वाह वाह। सुहेल, अब आपको एक नए अंदाज में कमेंट्स और पॉइंट्स देने पड़ेंगे टू टॉप अर्चना। इट्स गेटिंग डिफिकल्ट यार, सिटिंग विद। आप कुछ शायरी सुना दीजिए ऐसे। नहीं, वही है कि मैं एक शेर सुना देता हूँ। हाँ
शेर खान को ध्यान रखने में बिल्कुल सही था। इन इनके इस शेर के लिए जी करता है मैं ये उठा दूं। तो सुहेल अर्चना तो अपने पॉइंट्स दे चुकी है, अब आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? 9 points. अच्छा तो हम चलते हैं, फिर से मिलेंगे इसी टाइम पे और इसी चैनल पर। अगली बार हम आपको लाफ्टर की बारात में नचाएंगे, ओनली ऑन डाबर बबूल प्रेजेंट्स कहानी कॉमेडी सर्कस की। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।